जन्नत है भाई, ये जन्नत है, ये जन्नत है, इसे ही बोलते हैं जन्नत। लुक एट दिस, वाओ, खतरनाक शानदार मॉर्निंग वॉक। तो भाई अपनी एक डोमिनार आ चुकी है, ग्रीन कलर का मॉन्स्टर आगे है हमारे साथ, और अभी एक भाई को हम आगे से पिक करेंगे यहाँ से निकलते हुए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत सुबह होती हुई, सूर्यदेव हमारे राइट साइड से प्रकट होते हुए। भाई अभी हम आ चुके हैं हाईवे पे, और यहाँ हमारा एक भाई इंतज़ार कर रहा है अपना, दिस इज़ द मीटिंग पॉइंट, और ये लोग ज़रा फ्यूल अप करेंगे अपनी डोमिनार, तो फ्यूल्ड है। गाइस अब यहाँ से निकलते हैं, तीनों बाइक अपनी रेडी हैं, होंडा डोमिनार डोमिनार, और यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है। यहाँ से निकल चुके हैं हम लोग, अपना तीसरा ब्रदर भी आ चुका है होंडा सीबी पर, और अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। पहले रामनगर वाला रूट लिया है हमने, रामनगर वाले रूट से होते हुए हम नैनीताल निकलेंगे। मौसम में ठंडापन है अभी, हम लोगों ने जैकेट डाली है, और बिल्कुल सही डिसीज़न था सुबह सुबह जैकेट डालने का। ऐसा लग रहा था कि ठंडा नहीं होगा, बट काफ़ी अच्छा ठंडा हो रहा है, बाइक पे बढ़िया लग रहा है जैकेट के साथ में। यहाँ हम लोग आ चुके हैं रामनगर के एंट्रेंस पर, और हेयर वी हैव रामनगर, आप सभी का प्यारा कॉर्बेट नेशनल पार्क के शहर में हम लोग पहुँच चुके हैं। सुबह का माहौल ही इतना ज़बरदस्त होता, मारचूला 37 और गर्जिया यहाँ से 13 किलोमीटर, बट हमें इन दोनों में से किसी भी रूट पर नहीं जाना है, हमें जाना है कालाडूंगी रूट होते हुए नैनीताल निकलेंगे। क्या बात है भाई, बढ़िया शहर, शांत शहर, यहाँ से पहाड़ी रास्ते का आगमन हो जाता है। क्या बात है भाई, अपना भाई पीछे आ रहा है, एक होंडा मैन हमारा आगे जा रहा है, काफ़ी पुराने पुराने व्हीकल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हमने ले लिया है रामनगर का बाईपास, और एक बहुत प्यारी सी बिल्डिंग इधर दिखाई दे रही है, शायद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये है ब्रिज, और एक ब्रिज हम छोड़ आए हैं उधर कहीं पर, बैराज छोड़ा है, और ये बाईपास है, और सामने यहाँ से पहाड़ हमारे स्टार्ट हो गए हैं, और यहाँ से हमारा हिल्स का व्यू स्टार्ट हो गया, सामने से हमारा सनराइज़ हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू आप लोगों के लिए। क्या बात है, शानदार 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 मॉर्निंग वॉक पे लोग जाते हुए, और ये हमारे लेफ्ट साइड में कॉर्बेट का पूरा एरिया आ चुका है। क्या बात है, क्या बात है, इधर हमारा एक छोटा सा कोई टेंपल, आम के बाग, और आम के बाग पर इस समय भरपूर मॉल आ चुके, रोड पे से नज़र नहीं हट रही। क्या बात है, क्या बात है, बहुत दिनों बाद ऐसे कर्व हमारे सामने, और यहाँ पर छोटी छोटी लोकेलिटी, और एक हमारे सामने चेक पोस्ट, फॉरेस्ट चेक पोस्ट, ये रप्ट आ गया है खूबसूरत सा, और यहाँ से थोड़ा सा लीन करने का मौका, पूरे हॉलीवुड वाला सीन लेते हुए। क्या कुछ नहीं है अपने इंडिया के अंदर, लुक एट दिस व्यू, वाओ वाओ वाओ, हल्द्वानी यहाँ से 52 किलोमीटर, क्या बात है यार, क्या बात है, नज़ारे नज़ारे, लोग यहाँ पर फुल थ्रॉटल चलाते हुए, और अपने बीस्ट भी बढ़िया मोमेंटम बनाती हुई, ज़बरदस्त रूट है ना ये, जितनी बार भी इस रूट से आते हैं दिल खुश हो जाता है, वाह भाई वाह, हर बार एकदम रिफ्रेश लगता है, आप कितनी बार भी आओ मन खुश हो जाना है इस रूट पर आकर। सीरियसली मैन, अमेजिंग फसल देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है, और उसमें बीच बीच में घर दिखाई दे रहे हैं, लाजवाब यार, लाजवाब, जन्नत है भाई, ये जन्नत है, ये जन्नत है, इसे ही बोलते हैं जन्नत। लुक एट दिस व्यू मैन, बहुत देर से मैं चल रहा था ये सारी ब्यूटी इंजॉय करता हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को, एंड लुक एट लुक एट लुक एट लुक एट दिस व्यू, भाई प्लांटेशन कितने ज़बरदस्त लगते हैं, राइड पर आने के बाद पता चलता है, एहसास होता है खूबसूरती का, अगर इमेजिन करो ये प्लांट्स ना हो तो कितना अजीब हो जाए सब कुछ, बट एनीवेज यहाँ के नज़ारे बिल्कुल अलग। हाँ, नैनीताल मोड़, यहाँ से नैनीताल 34 किलोमीटर्स, और ये आ चुका है कालाडूंगी का मोड़, और हम लेंगे कालाडूंगी वाला रूट, यहाँ से 34 किलोमीटर्स पर जाता है रूट अपना, और वैभव भाई पीछे रह चुके हैं। जनाब वैभव, अब थोड़ी देर बाद यहाँ से पहाड़ी नज़ारे शुरू हो जाएंगे, जिसका पूरा इंजॉय और जिसका पूरा लुफ्त हम आपको देंगे। बहुत बढ़िया लौटो, फिलहाल लड़के मूड में आते हुए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया नज़ारे, और यहाँ ब्रेकर का क्या रोल है भाई,
देख रहे हो क्या शानदार पेड़ खड़े हुए हैं यहाँ पर। वाओ ब्यूटी 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 ब्यूटी। सो लाइट गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं कुछ इस तरीके की लोकेशन पर, और यहाँ पीछे भाई लोग हमारे फ़ोटो शूट करा रहे हैं। उधर अपनी बाइक्स खड़ी हैं, तीनों बाइक्स बहुत ही प्यारी लग रही हैं, और नज़ारा यहाँ से देख सकते हो क्या बेहतर नज़ारा लग रहा है। रोड इधर से आ रही है, अभी हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा एक स्टॉप लिया था। ब्यूटीफुल लोकेशन, लुक एट दिस व्यू, क्या बात है। ये वाला व्यू चेकआउट करो आप, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। लुक एट दिस व्यू, अंदर जाके दिखाता हूँ मैं आपको, क्या बात है भाई। ये जड़ें देख रहे हो कितनी अट्रैक्ट कर रही हैं, वाओ खतरनाक खतरनाक खतरनाक। इस प्लेस के लिए हम रुके थे और रियली ब्यूटीफुल थी जहां हम लोग रुके हुए थे। अब यहां से निकलते हैं, ऑल सेट टू गो। वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, लुक एट दिस व्यू, वाओ क्या बात है यार। देख रहे हो क्या नेचुरल ब्यूटी है, क्या मस्त मस्त फोटोज लिए हैं जो आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पर, जरूर से एक बार चेकआउट कर। अब बढ़ते हैं आगे यहां से अपने आगे डेस्टिनेशन के लिए। फाइनल गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर, और यहाँ हम लोग जरा थोड़ा चाय पियेंगे, स्नैक्स लेंगे और आगे कर देता हूँ। बिल्कुल जी करो। और क्या व्यू है यहाँ से भाई, स्विमिंग पूल, लुक एट दिस व्यू। अच्छा है व्यू। लास्ट टाइम हम उधर रुके थे ना, लास्ट टाइम हम वहाँ रुके थे ना वैभव। अच्छा अच्छा, तो नज़ारा बहुत बढ़िया आ रहा है यहाँ से। हाँ इधर व्यू अच्छा मिल रहा है यहाँ से। चलो कुछ खाते हैं फिर। लोकेशन अपने चेंज कर दी है, लास्ट टाइम हमने इस वाली लोकेशन पर खाया था। अब इन भाइयों का मूड बनाया कि इस लोकेशन पर। तो भाई लोगों, काफ़ी देर के बाद नाश्ता करने के बाद अब हम निकल चुके हैं, और इस समय टाइम हुआ है 10 बज चुके हैं, और हम लोग यहाँ पर 9 बजे आए थे। काफ़ी देर तक हम लोगों ने यहाँ पर इन्जॉय किया, नाश्ता किया, और अब बिल्कुल चार्ज हो चुके हैं आगे जाने के लिए। कॉन्टीन्यूसली राइड करेंगे अपने पॉइंट तक पहुँचने के लिए, क्योंकि भाई लोग बता रहे हैं आगे ट्रैकिंग का भी है, और ट्रैकिंग कुछ ज़्यादा बड़ी है। चीना पीक तक जाने के लिए कुछ नया देखेंगे आज जाके, कुछ नया दिखाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन। दोनों बाइकर्स हमारे सामने ज़बरदस्त टर्न करते हुए, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया व्यू। मज़ा आता है ऐसे देखने में जब राइडर अपने सामने होते हैं, तो इसलिए मैंने पीछे रखा है जिससे आप लोगों को ये व्यू दिखा सकूं। कूल 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 डूड कूल। गाड़ियां भी आती हुई, और उसका से नैनीताल रह गया 10 किलोमीटर, और मेरे ख्याल से ये खुरपाताल झील है, बहुत बढ़िया। यहाँ लास्ट टाइम हमने ब्रेकफास्ट किया था जब लास्ट टाइम हम राइड से आ रहे थे, तो यहाँ का व्यू ऑसम होता है भाई। यहाँ थोड़ी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह होती है, और यहाँ डोमिनार बिल्कुल रोर करती हुई अपना बेस। वाओ क्या बात है, कितनी अच्छी जगह स्पीड ब्रेकर दिए हैं, वही याद बिल्कुल। एंड लुक एट दिस व्यू, बिल्कुल चेंज हो चुका है, हाइट देख रहे हो नीचे से ऊपर आ गए हैं, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया शानदार से हम राइड करते हुए पहाड़ों को एंजॉय करते हुए, क्या शानदार पहाड़ लग रहे हैं यहाँ से। तो अभी हम पहुँच चुके हैं नैनीताल, यहाँ से 2 किलोमीटर है। अब यहाँ से हमारा रूट डाइवर्ट होगा, देखते हैं किस साइड में निकलेंगे, क्योंकि हमें चीना पीक जाना है। नैनीताल में अंदर सिटी में एंटर नहीं करना है हमें, आई थिंक ये वाला रूट हमारा नैनीताल में चला जाता है, सिटी में चला जाता है, बट हमें आउट ऑफ द सिटी जाना है यहाँ से। काफ़ी क्राउड है भाई, दिस इज़ द आउटर, और यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न ले लिया है कुछ नए और एडवेंचर जगह जाने के लिए, कुछ आपको एक यूनिक दिखाने के लिए, क्योंकि वो वाला रूट सीधा सिटी में चला जाता है, नैनीताल सिटी नीचे पहुंच जाता है। अब हम जा रहे हैं चीना पीक, जिसको चाइना पीक भी बोलते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ ऐसी जगह पर जहां पर हिमालयन पॉइंट है भाई, यहां से टेलीस्कोप के द्वारा देखते हैं भाई, आगे चलना है। यहाँ टेलीस्कोप लगी है और यहाँ हिमालयन दर्शन कराए जाते हैं, क्या बात है यार। कुछ ख़तरनाक सी भीड़ है यहाँ, तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट हैं यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया।